जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर चार ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य तीन ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी, पैसे की जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं, वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है, और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह तीन नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहां रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है, इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज़ को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएँ चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे, और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहाँ हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है, तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे, ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि, पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्ध त्रिकोणीय राशि है और अर्ध त्रिकोणीय राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बलि करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें, उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, या रोजाना के समय में आप नर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम और नर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। कुंभ राशि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और शनि के लिए शुक्र ग्रह मित्र हैं, परम मित्र हैं और योग कारक। योग कारक का मतलब है जब एक ही प्लैनेट दो जगहों की भूमिका निभाए और वो भूमिका केंद्र और त्रिकोण की हो, तो शास्त्र इसको योग कारक कहता है। यानी ऐसा प्लेनेट कुछ जोड़कर बड़ा और कुछ बेहतर देने में सक्षम है। शुक्र चौथे घर केंद्र के स्वामी हैं,
नवम भाव त्रिकोण के सामने है, इसको कहा जाता है योग कारक ग्रह। और ये योग कारक ग्रह आपको जीवन में क्या दे सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ चौथे घर में अपनी ही राशि में आ गए हैं, इसका मतलब है चतुर्थेश चौथे घर में आ गया। चौथा भाव क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है। और शुक्र ग्रह क्या है, वाहन का कारक है, लग्जरी का कारक है, इलेक्ट्रिक आइटम्स का कारक है। यानी शुक्र ग्रह का चौथे घर में आना आपको वाहन से संबंधित सुख देने में सक्षम है। कोई प्लॉट ले लिया, कोई रजिस्ट्री करा ली, कोई वाहन ले लिया, कोई सुख संसाधन ले लिया, कोई अच्छी यात्रा कर ली, कोई लग्जरी कर ली, कोई प्लॉट से संबंधित स्थितियाँ अच्छी बन गई, तो वो कहाँ से आती है, शुक्र ग्रह से आती है, चतुर्थेश चौथे भाव में बैठ गया। चौथा घर जनता का भी है, तो जो लोग जनता से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए स्थिति शुभ हो जाती है, क्योंकि शुक्र यहाँ दिग्पाली भी होते हैं। अब ये नवम भाव है, नवम भाव भाग्य का है, भाग्य का मालिक भी केंद्र में स्वराशि का हुआ, यानी शुक्र पूर्ण रूप से पूर्ण फल देगा चौथे घर के भी नौवें घर के भी। यहाँ से बैठ के कर्म भाव को देखेगा तो कर्म कार्य क्षेत्र के लिए भी शुभ हो गया। अब इसके साथ तीन ग्रह और हैं, ये क्या करेंगे आप देखिए कि सप्तम भाव जो केंद्र स्थान है उसका मालिक भी यहाँ बैठा है, यानी ये ग्रह अपने से दसवें में गया, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में प्रोफेशनली स्ट्रांग है, क्योंकि सप्तम भाव से हम कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार पद प्राप्ति देखते हैं। वहीं दो धन भाव का स्वामी और धन का कारक ग्रह गुरु भी यहाँ बैठ गया, यानी ये स्थिति भी कहीं ना कहीं पैसे के लिहाज से शुभ है, धन के लिए शुभ है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ है। कि अभी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने से अगर आपको मिलता है धन, मिलता है पैसा, तो वही स्थिति हमें यहाँ से शुभ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ आता है पंचम भाव का स्वामी, यानी ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि प्रेम प्रसंग आपकी एजुकेशन के लिए शुभ है। तब आप देखिए पंचम चतुर्थ नवम एकादश और द्वितीय, इन सब का इकट्ठा होकर बन रहा है चौथे घर में राजयोग। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कई कई वर्षों में एक बार बनते हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको बार बार हॉरोस्कोप में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, गोचर में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यानी ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जब गोचर अच्छा हो, दशा भी ठीक चल रही हो, सही जगह पर एंट्री कर जाओ, आप कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। ये प्लेनेट सारे मिलकर यहाँ से बैठकर 10th हाउस को देखते हैं, यानी ये कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा कर्म आपके जीवन में हो जाए, तो वो कहाँ से आता है, इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही खास हो सकता है ये गोचर शुक्र का अपनी राशि में, और उसके साथ अन्य तीन ग्रह मिलकर इसको और शुभ बना रहे हैं। जय श्री राम।